नमस्कार दोस्तों, मैं नदीम अनवर और आप देख रहे हैं बिहार टीवी। नालंदा ज़िले में गोलीबारी की घटना दीपावली में पटाखा छोड़ने की तरह हो गई है। तभी तो हर छोटी से छोटी बात को लेकर यहाँ पे गोलीबारी की घटनाएं आम बात हो गई हैं। ताज़ा मामला बिहार थाना क्षेत्र इलाके के कागजी मोहल्ले की है, जहाँ महज 10 रुपये के विवाद को लेकर दिन दहाड़े अपराधियों ने ताबड़तोड़ हार्डवेयर दुकानदार के ऊपर 3 गोली चला दी। गोलियों की आवाज़ सुनते ही आसपास के लोग थोड़ी देर के लिए सहम गए और इधर उधर भागने लगे। घटना के संबंध में दुकानदार ने बताया कि ग्राहक उसके यहाँ प्लाई बोर्ड खरीदने आया था और इसी प्लाई बोर्ड खरीदने के दौरान मूल्य में 10 रुपये कमी करने के विवाद हुई। जब दुकानदार ने 10 रुपया मूल्य कम करने से मना कर दिया तो थोड़ी देर के बाद ही 3 की संख्या में हथियार से लिए अपराधियों ने दुकानदार की दुकान पर ताबड़तोड़ 3 गोलियां चला दी, जिसके दुकानदार गोविंद कुमार बाल बाल बच गए। इस दौरान दुकानदार की पिटाई भी की गई। घटना की सूचना मिलते ही बिहार थानाध्यक्ष दीपक कुमार घटनास्थल पर पहुंचकर आसपास के लगे सीसीटीवी कैमरा का वीडियो फुटेज खंगालने में जुट गई। तो सामान लेने के लिए आया था, कम करने के लिए बोला था। हम कहे कि अब सामान जब तय कर लिया तो कम नहीं होगा। उसके बाद कहा ठीक है तुमको हम बताते हैं, बड़े हट के बोलते हो, अभी तुमको दिखाते हैं कि गोली कैसा होता है। क्या जो दिखाना है दिखाओ, आके बताते हैं, बताते हैं तुमको 5 मिनट में। वही आया, फिर 3 लड़का लेके आया था, फिर गोली चलाया। फिर हमको बताना है कि क्या कहते, मार दें हम एकदम में, तो मार के दिखा दो। कितना राउंड चलाया? 3 राउंड चलाया। विवाद कितना रुपये के लेकर बता? मात्र 10 रुपया के लिए। और क्या नाम है आपका? गोविंद कुमार। इसी प्रकार की आने वाली हर छोटी बड़ी ताज़ा खबरों को पाने के लिए हमारे YouTube चैनल बिहार टीवी को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।